भाई नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। 2014 से एक ऐसा इंसान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा इंडिया के अंदर लीडर जो अपने वाइडली एक्सेप्टेड हो। बहुत देखता था, बहुत सुनता था मैं। किसी पार्टी पे किसी का सपोर्टर नहीं रहा, किसी भी कोई भी नेता का मैं कभी सपोर्टर नहीं रहा सिवाय देश के, इंडिया के। क्योंकि इंडिया है तो ये नेता है, अगर इंडिया नहीं है तो ये पार्टीज भी नहीं है और कोई नेता भी नहीं है। मैं 1990 में अपने बम्बई में रहा हूँ। मैंने देखा है बाला साहब का रुद्र रूप, मैंने देखा है, और जो अभी बदलाव आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आया है। उनका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये भी हिंदू ही हैं, ये भी हिंदू ही हैं, ये भी अपने तिलक लगाते हैं, ये भी भगवा पहनते हैं। हिंदुत्व किसी की भपोती नहीं हो सकती। हिंदुत्व जैसे आज की तारीख में किसी ने अपनी भपोती बना ली है हिंदुत्व को। उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा केपेबल लीडर है, फैंटास्टिक लीडर, मैं आपको गारंटी करता हूँ। 2024 को अगर इंडिया को यूनाइट करना है, उद्धव ठाकरे को 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उद्धव ठाकरे इज़ गोइंग टू वाइब वेल विद अरविंद केजरीवाल, विद ममता बनर्जी, विद एवरीबॉडी। ही इज़ गोइंग टू वाइब वेल, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत ही ज़ोरदार इनका व्यक्तित्व है। इनकी जो पुरानी बातें थी वो सब छोड़ दीजिए, अपन को आगे देखना पड़ेगा, आगे क्या कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की एजुकेशन को क्वालिफिकेशन, इनका परिवार है, वाइफ है, इनके बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ को इनको समझते हैं। और दूसरा, ये आज के मुंबई के सीएम रहे हैं। मुंबई एक तरह से जहाँ से आर्थिक व्यवस्था चलती है देश की, वो मुंबई है। दिल्ली से राजनीति चलती है, आर्थिक व्यवस्था से मुंबई चलता है। जैसे टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, वैसे मुंबई है। तो 2024 में आपको पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, आपको एक तरह से इकोनॉमिस्ट चाहिए इन पीएम ऑफिस। मैं किसी के खिलाफ नहीं रहा हूँ, मगर आज की तारीख में आज के जो वर्तमान सरकार के जो अंधभक्त हैं, इन्होंने जितना कबाड़ा किया है आज की राजनीति का, जैसे किसी ने नहीं किया। और मैं शुरू से बोलता आया हूँ, ये जितने भी अंधभक्त हैं यही आज की तारीख में प्रधान सेवक पे बोझ है। अब मुझे कोई भी हंसभक्त इसमें चैलेंज कर दे कि इनका हिंदुत्व को, उद्धव ठाकरे को गाली बक के दिखाओ, तुम में अगर दम हो तो। उद्धव ठाकरे को गाली बक के बुलाओ, तुम लोगों में दम हो तो, और ये बोल के बताओ कि उद्धव ठाकरे फर्जी हिंदू है, तुम लोगों में हिम्मत हो, दम हो तो। तुम सबको माँ बहन की गालियाँ बकते रहते हो। मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने एक बोला भी था, इसी के नीचे मेरा एक वीडियो है, मैंने बोला भी था, उसमें देख लो सारे हिंदू और मुसलमान एक है, जहाँ पे इनका नाम आ जाता है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे हैज़ टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज की तारीख में इनकी उम्र 59 है, 2024 तक इनकी उम्र 63 होगी। इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। मुंबई को आज की तारीख में पेंडेमिक में किस तरह हैंडल कर रहे हैं, जग जाहिर बात है, सब लोग देख सकते हैं उस चीज़ को। अब ये जो झूठा हिंदुत्व है, इसकी पोल खुलेगी। सियासत की बिसात में चाणक्य के ऊपर चाणक्य होते हैं, ठीक है, नहले पे धैला होते हैं। बहुत बेवकूफ़ बना दिया हिंदू भाइयों का, बेरोजगार कर दिया, उन लोगों का कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छे दिन के मुहावरे सुनाते रहे, कौन सा मॉडल दिखाया, क्या दिखाया, कुछ नहीं पता, ठीक है। इनके पास मुंबई का मॉडल है, जीता जागता, ओके। और आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे से केपेबल लीडर इंडिया में अभी है। एक तो ये मुंबई के लीडर है, मुंबई बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, वहाँ ज़्यादा हिंदू मुसलमान नहीं होता। मैं मुंबई रहा हूँ 8 साल, मुझे पता है कोई मुसलमान नहीं होता हमारे यहाँ पे। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे ऊपर मुसलमान रहता था, उसके सामने हमारे क्रिश्चियन रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और उद्धव ठाकरे हिंदू हैं, मीट भी खाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, हिंदू है, ठीक है। अब तुम लोगों का जो ये गौ माता का जो तुमने लगा रखा था पूरा लफड़ा, ये भी तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। दूसरा, तुम लोगों ने जो लव जिहाद वियाद कर रखा था, ये भी पर्दाफाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा मामला। हर एक अपने पाप का अंत होता है, ठीक है। उद्धव ठाकरे को कोई चैलेंज करके दिखाया, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कोई भी अंधभक्त को, उद्धव ठाकरे को गालियां बके इसी लाइव पर,
इसी लाइव पर उद्धव ठाकरे को गाली बक्के दिखा दो, तुम्हारे में दम हो तो ठीक है, तुम नहीं कर सकते, तुम फ्रॉड हो, मैं तुम्हारा फ्रॉड गिरफ बहुत पहले से जानता हूँ। अभी कुछ वीडियोज आए हैं मेरे पास जो आप लोगों ने देखे नहीं देखे, जो माहौल बन रहा है देश में बहुत ही खतरनाक है, उस माहौल को रोकने के लिए अगर वो रोकना है तो आपको उद्धव ठाकरे को लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ये कंट्री बहुत ही गहरे गड्ढे में जा रही है जिसका अंत बहुत बुरा होगा। ये एक वीडियो आया है मेरे पास, अब आप देखिए। अच्छा, दूसरा मैं पहले ये वीडियो प्ले कर देता हूँ, फिर ये जो भाई साहब है मैं इनके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। ये जरा वीडियो में इनकी बातें सुनिए, जरा क्या बातें कर रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा ये पहले क्या बोलते हैं और बाद में कैसे पलटते हैं। जो भी हमारे मुमनान भाई, जो मुमनान आते हैं गलियों में, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे मुसलमानों को हम गली में। हम एक मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी जो भी हैं अपने गली मोहल्ले के अंदर किसी भी मुसलमान को ना घुसने दें। उनका आधार कार्ड चेक करो, उनका नाम पूछो, कोई मुसलमान है तो आप उनको भगाइए। डेढ़ दो मिनट का वीडियो है, ये लोग एक कमेटी की मीटिंग हो रही है, कोई भी घुसने ना, इनकी मीटिंग हो रही है सोसाइटी की, और बहुत गंदे ये बोल रहे हैं कि कितने भी मुसलमान आए उन लोगों को घुसने नहीं देना। भाई एक काम करो, तुम लोग जितने भी तुम लोग जो बकवास कर रहे हो, जयपुर के अंदर जितने भी नगीने मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना, 10 करोड़ 20 करोड़ के, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के जितने भी नगीने का काम होता है ना, सारे मुस्लिम मैन्युफैक्चर करते हैं और हिंदू बेचते हैं। हिंदुओं को बोल दो जयपुर के अंदर जितने भी नगीने इनसे व्यापार करना बंद कर दे, मैं गारंटी करता हूँ सारे हिंदू 2 महीने के अंदर अंदर रोड पर आ जाएंगे। तुम लोगों को रोकना है सब्जी वाले मुसलमान को, तुमने रोकना है एक बेचारा जो परचूने की दुकान लगा रखा है, तुम्हें रोकना है एक बेचारा केले सब्जी बेच रहा है उसको रोकना है, तुम्हारी औकात ही इतनी है। ठीक है, तुम्हारी औकात ही इतनी है। अगर तुम्हें रोकना हो ना तो शाहरुख खान को रोक के दिखाओ, सलमान खान को रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनना बंद कर दो, तुम्हारी बेटियाँ सलमान खान के गाने पर नाचती है शादियों में, रोक के दिखाओ। नहीं रोक सकते, तुम क्या है एक गरीब पे हत्याचार करना है तुम लोग, क्योंकि तुम फ्रॉड हिंदू हो। तुम फ्रॉड हिंदू को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे जैसा आदमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुम्हारे ऐसे लठ बजाएगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि है क्या। ठीक है, ये वीडियो है, ये आप लोगों भी नहीं सुना होगा, एक मीटिंग हो रही है, ये सुन लीजिए यू नो, और ध्यान से सुनिएगा। दोबारा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको भी उठपटांग जवाब देने वो दीजिए यहाँ पे। मैं किसी का सवाब, मैं किसी भी ये जो होते हैं ना अखंड मूर्खों का, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, तुम लोगों को अपना बेड़ा गर्क करना है, तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी का बेड़ा करना है, करो मेरी वला से। मगर मैं आज से और 2024 तक उद्धव ठाकरे के लिए बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की कितनी ज़रूरत है अब देश में। ओके, उद्धव ठाकरे इज़ अ यूनिवर्सल लीडर। ओके, ही हैज़ प्रूव्ड हिज़ वर्थ। उन्होंने जो उनकी जो पार्टी के बारे में एक लगा हुआ था ठप्पा के हिंदुत्व का, उन्होंने खुद झाड़ा, वो आगे निकलना चाहते हैं, पूरे देश को साथ लेके जाते हैं। अगर बम्बई आगे बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा, अगर दिल्ली आगे बढ़ेगा तो सिर्फ ऊपर के जो 20% है सिर्फ वो बढ़ेंगे और नेता आगे बढ़ेंगे। कभी भी नहीं बढ़ सकता इंडिया आगे, गरीबी कभी नहीं जा सकती। शर्म आनी चाहिए, 70 साल बाद भी ऐसे नेता पैदा हुए देश में जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज तक जिंदा है देश के अंदर। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को चुनना नहीं आता अपना ऑप्शन। आज से तैयारी करेंगे 2024 की, तो हम गारंटी बोलते हैं उद्धव ठाकरे विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024 101%। कौन सा हिंदू है आज बोलता है उसको चैलेंज करता है हिंदुत्व का, मुझे बताओ। कौन सा मुसलमान पे जो उनके ऊपर उंगली उठाता है बताओ। कौन सा सिख है जो उन पे उंगली उठाता है बताओ। कौन सा क्रिश्चियन है उन पे उंगली उठाता है बताओ। ही इज अ क्लीन चिट मैन, कोई करप्शन चार्जेस नहीं है उनके ऊपर, कुछ नहीं है, नथिंग, एब्सोल्युटली क्लीन। ठीक है ना, वो दूसरों के आपस में झगड़ा करा के कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ना सीएम बने हैं। हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के वो सीएम नहीं बने हैं भाई, वो अपनी काबिलियतें बने। और किस तरह झाड़ा है इन्होंने और दो पार्टियों को सबके सामने, जग जाहिर बात है। तो ही इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन, ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स परफेक्टली वेल। अगर आप लोगों को भला करना है अपना तो उद्धव ठाकरे की बात करिए, #2024 उद्धव ठाकरे, #2024 उद्धव ठाकरे, मारते चले जाइए इसको, एंड यू हैव टू रन दिस। अब मैं आपको और सुनाता हूँ, जरा इन लोगों की बातें सुनिए। एक और आदमी का मेरे पास वीडियो आया है, इसकी बात सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल भूलचंदानी आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। क्या आप इस भ्रम में आज भी हैं कि आपको किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में जमाती वोट देंगे या जमातियों के रिश्तेदार आपको वोट देंगे? अगर यह भ्रम पालकर आप बैठे हैं
तो मैं समझता हूं इस भ्रम को आज रात को आपको छोड़ देना चाहिए। आप कितने ही देवता बनने की कोशिश करिए, जमातियों के देवता ना आप थे ना आप हैं और ना कभी आप इनके शुभ चिंतक बन सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये आदमी सिंधी है। पुरानी देश में कहावत है अपने कि सांप दिखे या सिंधी तो पहले किसको मारना चाहिए, सिंधी को। सिंधियों ने आज तक देश में क्या किया भाई, मुझे बताइए कितने ये क्या करते हैं ये लोग। मेहुल चौकसी भी जो आज की तारीख में छुपा हुआ है एंटीगुआ में, ये सिंधी जवाहरात वाले हैं, इन्होंने छुपा रखा है मेहुल चौकसी को, सुन लो मेरी बात ठीक है। ये इस तरह की बातें करते हैं, ये देश में आग लगाना चाहते हैं ये लोग। तुम लोग आई डोंट नो। और उद्धव ठाकरे जी तो छत्रपति शिवाजी जी के वंशज हैं। अब तुम लोग हिंदू बोलो, अब नेहले पे दहला आ गया, चाणक्य ने चाल चल दी, बिसात लगा दी। तुम्हारे में हिम्मत हो तो प्लान भी बताओ, तुम्हारे में हिम्मत है ही नहीं। ओके, दूसरा रिपब्लिक टीवी, जी टीवी, न्यूज 18 पे जितने एंकर बैठे हैं, मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ, तुम लोग जो जिहाद विहाद की बातें करते हो, कोरोना जिहाद की, उद्धव ठाकरे को डिबेट पे लेके आ जाओ। 5 मिनट में तुम्हारी डिबेट खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में तुम्हारी डिबेट। वैसे ही तुम लोगों की बोलती तो बंद करने वाला है उद्धव, राइट। तुम लोगों पे कर दिया केसेस, जितने भी फेक न्यूज फैलाते हो तुम लोग, राइट। उद्धव ठाकरे इज द बेस्ट चॉइस फॉर इंडिया इन 2024। आई एम टेलिंग यू, आने वाले 2 साल 3 साल इंडिया के लिए बहुत टफ रहने वाले हैं। डिस्ट्रेस, सुसाइड, रेप्स, क्राइम, एवरीथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली जब ये सरकार जाएगी तो सबसे बुरे दिन देके जाएगी। ये आई थी अच्छे दिन देने के लिए, मगर ये सबसे बुरे दिन देके जाएगी। इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और वो प्रिपेयर जब ही होगा जब अगला कप्तान आप सही ढंग से चुनेंगे, और अगला कप्तान देश का उद्धव ठाकरे ही होगा। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करूँगा आज से, ओपनली आज से। अब तुम मेरे हिंदुत्व को चैलेंज करके दिखाओ, और मेरे नेता को चैलेंज करके दिखाओ हिंदुत्व पे, मैं मान जाऊंगा। तुम लोग तो बड़े तिलक विलक लगा के घूमते हो ना, फेंटा बांध के रूते हो, हिंदू शेर, तुम हिंदू शेर हो है, असली शेर अब उतरेगा। हमने कहा था ना कि पाप का अंत होगा, कोई ना कोई आएगा। मैं बहुत बार ही अपने वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, तुम्हारा बाप आ गया। अब तुम्हारा बाप आ गया, 2024 के अंदर तुम जिस निकले थे ना बिल में से, उसी बिल में तुम लोग घुसड़ दिया जाएगा। जितने भी तुम आईटी सेल वाले हो, जितने भी तुम लोग बैठे हो, जो तुमने बवाल मचा रखा है देश में, लिंचिंग, ना लव जिहाद, ना गरीब को मारना, मुसलमान को मारना, गाय के नाम पे मारना, तुम्हारी बोलती बंद और तुम्हारी दुकान बंद। और तुम लोग इतने दोगले हो, अपने नाम बदलोगे और फिर तुम इसमें जुड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई अहमियत है नहीं देश में, तुम्हारी खुद की कोई अहमियत नहीं है समाज में, तुम्हारी खुद की अहमियत नहीं है तुम्हारे मोहल्ले के चौराहे पे, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है आज की तारीख में। तुम्हारे खुद के परिवार में तुम्हारे जूते मारते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें जूते मारते हैं, तुम्हारी बीवी तुम्हें जूते मारती है, तुम्हारा बाप तुम्हें जूते मारता है, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ आज की तारीख में रिपब्लिक चैनल, जी टीवी, न्यूज 18, जिन्होंने बवाल खड़ा कर रखा है सारी ये फ्रॉड न्यूज चला के, फेक न्यूज, तुम उद्धव ठाकरे को लेके आओ डिबेट पे, 5 मिनट्स बाय दी वॉच, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा। और मिस्टर रिपब्लिक टीवी, आपका जो स्टूडियो मुंबई में है, आपका स्टूडियो मुंबई में, ध्यान रखना आपका स्टूडियो मेरा, मेरे जो नेता है अगला, मेरा नेता उसके शहर में है। तो अपनी बगबग ये जो तू करता है ना 9 बजे के प्राइम टाइम में, जो तू तमाशा लगा रखा है, ये तमाशे बंद कर दे, तेरा तमाशा बंद हो जाएगा। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या बीजू पटनायक हो या कोई भी हो CM ये पार्टी का छोड़ के, ठीक है, ऐसा कोई भी CM इनके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, नोबडी, गारंटी है इस बात की। तो मुस्लिमों की, मुस्लिम भाइयों की सब्जी के ठेले रोक के तुम लोग सोच रहे हो कि मुसलमानों पे फर्क पड़ जाएगा। तुम जैसे जाहिल बेवकूफी आज के प्रधान सेवक के, मैं कह रहा तुम लोग बंदर हो, जोकर हो, जाहिल हो, गुटकेबाज हो, थैलीबाज हो, निकम्मे हो, कमीने हो। और मैं जो आज की तारीख में बोलता हूँ, जो कि फिल्मों में बोलते हो, देश में अगर चूतियों की भीड़ इकट्ठी करिए ना, तो एक पार्टी की सदस्यता देख लेना, वही सारी चूतियों की लिस्ट है देश में, यही है, कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी चूतियों की लिस्ट बनानी पड़े ना, तो एक पार्टी की सदस्यता देख लेना, ये सारे के चूतिये जितने 8-10 करोड़ तुम्हें एक लिस्ट में मिल जाएंगे, इनके फोन नंबर मिल जाएंगे। अब तुम लोगों को ये वीडियो पूरा सुन लेना है, फ्रॉड हिंदू, ये पूरा वीडियो सुन लेना, हम तुम्हें गारंटी करते हैं, और तुम्हारे को ओपन चैलेंज करता हूँ, उद्धव भाई के नाम से एक माँ बहन की गाली बक्के दिखाओ, अगर अपने बाप की सिंगल औलाद हो तो।
अगर अपने बाप की औलाद हो ना, उद्धव ठाकरे के नाम पे माँ बहन की गाली दिख के दिखाओ। अब तुम्हें बताते हैं शेर कौन है हिंदू का, और हिंदू बड़े भाई अपने छोटे छोटे भाइयों को लेके कैसे साथ चलेगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब आ गए, ठीक है, ईसाई भी आ गए उसके अंदर। अब तुम्हें पता लगेगा कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। हिंदुत्व का मतलब होता है एक साथ लेके चलना। अब तुम्हें पता लगेगा राम राज्य क्या होता है। तुमने रावण राज्य बनाने की कोशिश करी ना, आ गए राम के अवतार, तुम्हारे सर पे आके बैठेंगे अभी राम के अवतार बेटा, और तुम लोग उसी बिल में घुसड़े जाएंगे, और हम जैसे पूरे खड़े होंगे उद्धव भाई के साथ, आखिरी दम तक तुम लोगों को उसी बिल में घुसड़ने के लिए जिस बिल से तुम लोग 26 मई 2014 को निकले थे। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा जन्मदिन होता है 26 मई को, और मैं अपने जन्मदिन के दिन ही 2024 में तुम लोगों को उसी बिल में घुसेड़ूंगा, और मेरा नेता उद्धव ठाकरे होगा। और हिंदू है सेक्युलर हिंदू, अब आ जाओ तुम लोग, अब हो जाए दो दो हाथ। बड़ी तुम लोगों ने बवाल मचाया ना देश के अंदर, बड़ा बवाल मचाया। ऐसा है मुंबई में लिंच करके दिखा दो, चैलेंज करता हूं तुम लोगों को, ओपन चैलेंज, मुंबई में लिंच करके दिखा दो, किसी मुसलमान की दाढ़ी पढ़ के दिखा दो, तुम लोगों को बीच में से चीर देंगे उद्धव भाई, बीच में से। अभी तो तुम्हारा नंबर तुम्हारे पत्रकारों को आ गया है, अगर समझदार हो ना तो पीछे हट जाना, पत्रकारों के बाद तुम्हारा नंबर लगने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारी जितनी झूठी राजनीति है ना जो तुमने हिंदुत्व पे खेली है, असली हिंदुत्व हम बताएंगे तुम लोगों को होता क्या, ठीक है। अब तुम में जितना भी तुम लोगों में दम है ना, किसी में भी ओपन दम है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अपने नाम के नीचे कमेंट में उद्धव ठाकरे की माँ को, उद्धव ठाकरे के बाप को, उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे की वाइफ को गाली बाग के दिखा दे, अपने एक बाप की औलाद है तो। नहीं तो अगली बारी मेरे पेच मत आना, क्योंकि आज से मैं खुला डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं उद्धव भाई के साथ 2024 तक लगा रहूंगा, और तुम लोगों का हिंदुत्व की पोल खोलता रहूंगा जो मैं करता रहा हूं। उद्धव ठाकरे विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024 कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एजुकेशन, पर्सनैलिटी, तुम्हारे नेता तो अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं ट्रंप से, मुझे तो आज तक वही फोन कॉल ही सुना दो, मान जाऊंगा तुम लोगों को बात, कहाँ से पढ़े हुए हैं। और ऊपर से आदित्य पढ़ा लिखा यंग आदमी, बिल्कुल जो आज की तारीख में यंग इंडिया देखना चाहता है, रेडी आदित्य ठाकरे, ठीक है। आज की तारीख में महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं, तुम लोग के स्टेट्स में देख लो क्या काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो अगली बारी अड़ना मत, मैं शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करता हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिंगल आदमी को सपोर्ट करता हूं, और उसमें उद्धव ठाकरे है। 2024 तक मैं उद्धव ठाकरे के एडी का जोड़ लगा दूंगा, समझाते 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 जितने वोट मैं बना सकूं इनके लिए मैं बनाऊंगा, उद्धव ठाकरे के लिए, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि मैंने हीरा पकड़ लिया। अब देश में कौन सा हीरा था जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था 6 साल तक, मैंने 6 महीने तक का टाइम दिया उद्धव ठाकरे को, देखता रहा मैं कभी भी नहीं एकदम से पचरा। 1990 के समय जमाने में बाल ठाकरे जब अपने बिल्कुल रुद्र रूप में थे, तब मैंने बाल ठाकरे साहब का देखा है, और आज जो मैं उद्धव ठाकरे को देख रहा हूँ, एग्जैक्टली इंडिया को ऐसा नेता चाहिए, एग्जैक्टली, डिमीनर, कैरेक्टर, एवरीथिंग, स्पिक एंड स्पैन, कोई करप्शन चार्जेज नहीं, नथिंग। अब तुम लोग भिड़ लो, और तुम्हारे को ओपन बोलता हूं मैं, ठीक है। अब ये आ गए पंडित राजा चाणक्य, फ्रॉड, तुम लोगों की सब दुकानें फ्रॉड, तुम्हारा नाम फ्रॉड, तुम्हारी शक्ल फ्रॉड, तुम कितना मिला है भाई, अबे छोड़, तू कटोरा लेके, तुम जैसे हिंदुओं को कटोरा लेके महालक्ष्मी मंदिर के बाहर नहीं बिठाया ना, तो उद्धव ठाकरे भाई से हम माफी मांग लेंगे, ठीक है, तुम्हें उसी कटोरा लेके बैठा के तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, कोई जवाब नहीं देता तुम लोगों को, तुम अपनी लुटिया तुम्हारी डूब चुकी है, ठीक है। भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं चल निकल लौड़े, ठीक है, उद्धव ठाकरे को बोल, उद्धव ठाकरे को बोल, उद्धव ठाकरे के नाम पे गाली लिख, उद्धव ठाकरे को बोल कि चल निकल लौड़े, लिख लिख लिख, तेरे में हिम्मत है तो इंतजार कर रहा हूँ भूपेंद्र यादव, इंतजार कर रहा हूँ तेरा, 30 सेकंड लिख लिख, उद्धव ठाकरे एक बाप की औलाद है तो लिख, इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा, लिख के दिखा नीचे, एक बाप की औलाद है तो लिख 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 बेटा, 4000 आदमी देख रहे हैं, उद्धव भाई के साथ मेरा वीडियो जाएगा ही जाएगा पक्का, तेरा नाम भी जाएगा, लिख तू एक बाप की औलाद है तो, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, लिख वही लिख लिख, फंस गए तुम लोग बेटा, तुम फंस गए, फ्रॉड चाणक्य था तुम्हारा, फ्रॉड। हर हर महादेव, अब बताएंगे हम बेटा, छत्रपति शिवाजी, अब बताएंगे बेटा हम तुम्हारे को, अब बताएंगे हिंदुत्व होता क्या है, ठीक है।
तुम लोगों को जो लिखना है अनपढ़ गवार हो तुम लिखो, मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूं, उद्धव ठाकरे को गाली लिख के दिखाओ, एक बाप की औलाद हो तो लिख के दिखाओ, इसी जगह लिखो, इंतजार करता हूं, लिखो। ये जब लिख रहा है कोई स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, निकालते हैं इसकी पूरी हवा 48 घंटे के अंदर अंदर लिख, 48 घंटे के अंदर तेरे को दावा करता हूं तू इंडिया में कहीं भी हो तेरी हवा निकलवा दूंगा, लिख लिख, देखता हूं तेरा नेता कितना पकड़ तेरे को बचा सकता है, लिख लिख भूपेंद्र यादव लिख। क्यों यादवों का नाम बदनाम करता है यार, राजस्थान के हमारे भी यादव जाट बड़े दोस्त हैं, क्यों नाम बदनाम कर रहा है? ठीक है, उद्धव ठाकरे #, उद्धव ठाकरे 2024 इंडिया प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट, ईडी का जोड़ लगा देना, हिंदू भाई मुसलमान भाई सिख भाई जितने भी हैं देश में सब जोड़ लगा देना, सबसे दोस्ती के साथ काम करेंगे, किसी से इनका कोई लफड़ा नहीं होने वाला, गारंटी करता हूँ, मैं कैरेक्टर बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, गारंटी करता हूँ नहीं होगा। और आप लोगों का जो काम 10 साल में नहीं होने वाला था हम गारंटी करते हैं, 2-3 साल के अंदर अंदर किसानों का मसला, जितने भी इसके अंदर रेप्स इश्यूज होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ भूपेंद्र यादव? फ्रॉड हिंदू, असली हिंदू आ गए अब, हर हर महादेव, भारत माता की जय, देखते हैं तुम्हारे को अब 2024 उद्धव भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आ जाओ, जय हिंद, भारत माता की जय।